जय हिंद दोस्तों मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लेक्ट दोस्तों हाल ही में इंडिया और चाइना के बीच में बेका जैसे एग्रीमेंट के ऊपर हस्ताक्षर होने के बाद जहां पे पूरा दुनिया का एक्सपेक्टेशन था कि अमेरिका द्वारा भारत को सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस के लिए सैटेलाइट के कवरेज और सेटेलाइट के फुटेजों के मदद दिया जाएगा वही पे अब सुनने को ये भी आ रहा है की खाली सेटेलाइट ऐसी से नहीं बल्कि अमेरिका द्वारा भारत को चाइना के खिलाफ जमीनी तरफ ऐसी भी काफी बड़ा मदद किया जा रहा है इससे पहले जहाँ पे इंडिया द्वारा सियाचिन ग्लेशियर में तैनात आर्मी के जवानों के लिए यूरोप के देश ऐसी हाई ग्रेड इक्विपमेंट और एक्सट्रीम कोल्ड क्लॉथ को इम्पोर्ट किया जाता था, था। वहीं पे अब सुनने को आ रहा है कि चाइना के साथ झड़प के दरियान अमेरिका द्वारा भारत को इस तरीके का हथियार और इक्विपमेंटो का सप्लाई किया गया दोस्तों इन हथियारों में ठंड में आर्मी के जवानों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हाईटेक इक्विपमेंटों के अलावा हाईटेक गर्म कपड़े भी शामिल है जो वजन में हल्का और ज्यादा लंबा समय तक चलने वाला कपड़ा होगा दोस्तों इसके अलावा ए एन के एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया है की आर्मी के जवानों के लिए अमेरिका ऐसी जो क्लॉथ को इम्पोर्ट किया जा रहा है उसके साथ कुछ सिक्स सोरी राइफल भी शायद इम्पोर्ट किया जा रहा है क्योंकि ए के ट्विटर हैंडल में एक फोटो अपलोड किया गया है जहाँ पे ठंड के वेदर में पहनने वाले कपड़े के अलावा जवान के हाथ में एक सिक सूरी राइफल भी दिख रहा है दो रिपोर्टों के मुताबिक इंडियन आर्मी द्वारा करीबन साठ ऐसे क्लॉथ्स को ऑलरेडी इम्पोर्ट किया जा चुका है जबकि हर साल साठ के आस पास ही इम्पोर्ट किया जाता था पर इस साल चारा के साथ झड़प के दरमियान इंडिया द्वारा करीबन और एडिशनल तीस हजार क्लॉथ को इम्पोर्ट किया जाएगा जो कुल मिला के ये साबित कर रहा है कि एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में भारत द्वारा हाई ऑल्टीट्यूड रीजन और एडवांस पोस्ट में करीबन नब्बे हजार ट्रूफ को इस साल डिप्लॉय किया जाएगा जो चाइना को हर मौके में चैलेंज करेगा दोस्तों दूसरे तरफ जहाँ पे चाइना में भी रिपोर्टें आ रहा है की चाइना द्वारा कुछ ठंड में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट और कपड़े इम्पोर्ट किया जा रहा है लेकिन कितने संख्या में चाइना के तरफ ऐसी ये इम्पोर्ट किया गया है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है माना जा रहा है की चाइना द्वारा शायद इन इक्विपमेंटो को रशिया ऐसी इम्पोर्ट किया जा रहा है या फिर यूरोप के कुछ देशों से इम्पोर्ट किया जा रहा है दोस्तों इससे पहले इंडिया द्वारा सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन के दरमियान यूरोप से इस तरीके का इक्विपमेंट को इम्पोर्ट किया गया था और उसके बाद से भारत हमेशा से ही ठंड इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट और क्लॉथ के लिए यूरोप के ऊपर डिपेंडेंट था जबकि भारत में भी हाल ही के दरमियान ऐसे इक्विपमेंटों का निर्माण काफी गुना बढ़ चुका था आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को जहाँ पे आगे बढ़ाते हुए ऐसे इक्विपमेंटों को अब बड़े संख्या में इंडिया में ही निर्माण किया जा रहा है वही पे इमरजेंसी बेसिस पे चाइना के खिलाफ आर्मी के मजबूती को बढ़ाने के लिए अब अमेरिका ऐसी भी बढ़ चढ़ के इम्पोर्ट किया जा रहा है दोस्तों अमेरिका द्वारा ऐसे इक्विपमेंटों को अपने अलास्का रीजन में इस्तेमाल किया जाता है जहाँ का बॉर्डर रशिया के काफी नजदीक है दोस्तों अलास्का रीजन में अमेरिका के बहुत सारे मिलिट्री बेस और रिसर्च सेंटर है जहाँ पे आर्मी के डिप्लॉयमेंट और सुरक्षा के लिए गार्ड के डिप्लॉयमेंट किया जाता है और इन गार्डो के द्वारा भी इस तरीके का हथियार और कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है जो माइनस डिग्री तक टेम्परेचर को सहन कर पाए तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जय हिंद